देखिए आप लोग ना अपने अपने आप से ना बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना, तो अक्सर आप डिजास्टर क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, है ना, कोई जादूगरी हम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जादू भी सीखने में टाइम लगता है। आप सोचोगे किसी चीज में टाइम भी इन्वेस्ट ना करो, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल जाए, तो सॉरी टू से साइंस में जो है लॉजिक होते हैं, मैजिक नहीं होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप टाइम भी इन्वेस्ट ना करो। ऑब्वियसली चीजें टाइम लेंगी, तभी तो हम लोग अपनी कितना मोर देन 25+ ईयर्स का जो हमारा टाइम होता है वो हम सिर्फ पढ़ाई में निकाल देते हैं। अगर ये इतनी आसान होती तो ऑब्वियसली हम इससे कम टाइम में चीजों को क्लियर कर लेते ना। पढ़ाई है ये, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि आप ये बोल दो कि टाइम नहीं लगेगा और चीजें फ्रूटफुल भी गेन हो जाएंगी। नहीं, जिनमें सबर नहीं है, जो वक्त नहीं दे सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई एक्चुअल में फिर फ्रूटफुल साबित नहीं होती है। तो अपने आप से प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखिए, ठीक है। हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप अपने ही एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरेंगे और आपका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सिंपल। तो चीजें वक्त लेती हैं और आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वक्त आपको जो है एक अच्छा खासा इनकम सोर्स देगा। बट अगर आप आज इनपुट नहीं करोगे तो कल का आउटपुट तो आप अच्छा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आज के टाइम में डिग्रियां वगैरह रखी की रखी रह जाती हैं, जो काम आता है वो है आपका नॉलेज। आपकी डिग्री आपके नॉलेज को जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए, वरना अगर आप डिग्रियां 1,000 लेके चले जाओ किसी के सामने, और अगर वो सामने वाला बोले कि बेटा चलो बताओ, मुंह खोलो और बताओ कि क्या क्या तुम जानते हो, और आप अपने आप का क्वालिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने सर्टिफिकेट के साथ ना, तो चाहे आपके पास 1,000 सर्टिफिकेट क्यों ना हो, 1,000 डिग्रियां क्यों ना हो, आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। एंड इसीलिए आज के टाइम में हर एक जगह पे इंटरव्यू प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर कर दिया गया है, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री लेना पहले के टाइम से ईजी हो गया है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले जहां पर आप पहले क्या होता था, पहले कोई CSI या नेट क्वालिफाइड सुनते ही सबको एकदम शॉक लग जाता था, ओ माय गॉड, इसने नेट एग्जाम क्लियर किया है। आई स्टिल रिमेम्बर कि जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे, उस कॉलेज में सिर्फ एक ही टीचर थी जिसने CSI या नेट अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, क्वालिफाई भी नहीं किया था, अटेम्प्ट दिया था। जब हमको उन्होंने क्लास में बताया तो मुझे तो आप पता ही नहीं था कि CSI नेट है क्या। BSc की बात कर रही हूँ, जब मैं BSc कर रही थी, और सभी बच्चे इतने शॉक हो गए कि ओ माय गॉड, इस मैम ने जो है CSI नेट अटेम्प्ट दिया था। सोचे, क्वालिफाई भी नहीं, अटेम्प्ट दिया था। सभी बच्चे उन मैम के चार वो गेस्ट लेक्चरर हुआ करती थी, सभी बच्चे उन मैम की तरफ चारों तरफ उनको घेर के सारे स्ट्रैटेजी पूछने लगे, सिलेबस पूछने लगे, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उस वक्त का मुझे सिनारियो याद आता है। तो उस टाइम पे ये चीजें रेयर थी, किसी का सुन लेना कि हाँ CSR क्वालिफाई किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन वो रेयर चीजें अभी कॉमन हो गई हैं। अब अगर अभी किसी को बोलो ना CSR नेट क्वालिफाई किया है, तो आधे जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बोलते हैं तो क्या हो गया, किया है तो किया है, क्यों, क्योंकि ये इतना कॉमन हो गया है। लेकिन वो अचीवमेंट है आपकी, वो मामूली सा चीज नहीं है, वो साधारण चीज नहीं है। अचीवमेंट्स कभी भी साधारण नहीं होती है। तो कोई आपके अचीवमेंट को प्रेज करे या ना करे, आपको खुद को प्रेज करना जरूर चाहिए कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, क्योंकि उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन आज के टाइम पे वो अचीवमेंट हर 5 में से 3 स्टूडेंट लेकर बैठा है। तो आप कभी सोचे हो कि आप अपने आप पे कैसे काम करो कि आप उन तीनों लोगों से डिफरेंट रहो, क्योंकि जहां पे आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे वहां पे वो 3 लोग भी पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए। अगर 5 में से 3 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से सोच लीजिए कि लाखों लोग पे कितने लोगों ने क्वालिफाई करके रखा होगा एग्जाम। ये तो जहां पे आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे वहां पे सभी लगभग जो भी क्वालिफाई किए होंगे उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट पहुंचेंगे। तो आप में ऐसा क्या होगा डिफरेंट? तो पहला केस होता है कि डिफरेंट डिफरेंट खुद को कितना करना है, ये एक सेकेंड केस है। पहला केस ये होता है कि जिस क्वालिफिकेशन को आप लेकर कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए हो, और जब इंटरव्यूअर आपका क्वालिफिकेशन देखेगा तो आपकी नॉलेज आपकी क्वालिफिकेशन से मैच होनी चाहिए। इसीलिए इस फील्ड में आप रट्टाफिकेशन से पास जरूर हो जाओगे, लेकिन करियर नहीं बना पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आप लक कह लो या क्या, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो रट्टाफिकेशन पे इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। मेरे खुद के कितने ऐसे दोस्त हैं
जिन्होंने रट्टाफिकेशन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि भगवान की देन है कि उनका दिमाग ऐसा था कि जो पढ़ते थे वो याद हो जाता था, समझने की जरूरत नहीं है उनको, याद कर लेते थे वो, समझते नहीं थे। और पहले कभी कभी पेपर होता है ना बहुत प्रेडिक्टेबल चला आता है, किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल हो गया, किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ। तो काफी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका प्रेडिक्टेबल पेपर मिल गया, नंबर भी उनको थोड़े कम ही लाने पड़े कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, और उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अच्छी रैंकिंग के साथ एग्जाम क्वालिफाई हुआ। और उस टाइम पे हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं था, जबकि हम उनसे जो है 10-15 गुना ज्यादा हमारे पास नॉलेज थी। हम उनको देख के शॉक होते थे कि यार इन्होंने एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लिया। हम लोग को सेल्फ डाउट आने लगता था, क्योंकि हमको पता था कि ये कॉन्फिडेंट था कि हाँ हमारे पास जो नॉलेज है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू देम, लेकिन वो क्वालिफाई करके बैठे हैं और हम अनक्वालिफाइड हैं। लेकिन आज की डेट में जो पोजीशन है सबका, वो रियलिटी बता दे रहा है, क्योंकि आज की डेट में वो सभी लोग अभी भी वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए उस डिग्री से, वो एक्सपायर हो गई डिग्री रखे रखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन किसी इंटरव्यू पैनल में जाके खुद के लेवल को, खुद के नॉलेज को उस क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे दुनिया के सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आप इस प्रोसेस में ना एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक तो बनते हो, लेकिन आप एक काबिल इंसान भी बनते हो, जिसके पास जो डिग्री है उस डिग्री को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये मेरी ही डिग्री है, मैंने अपनी मेहनत से इसको ली है। अगर आप CSINET क्वालिफाइड हो ना, तो आपकी नॉलेज भी क्वालिफाइड स्टूडेंट के बराबर की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास CSINET क्वालिफाई हो गया लेकिन नॉलेज के नाम पे कुछ खास नहीं है, इंटरव्यू में आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, बेसिक चीजों का भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। टफ चीजें तो चलो ठीक है, टफ चीजें तो मुझे भी नहीं आता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहले इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझे कहा था बोर्ड पे बताओ कि PCR कैसे चलाओगी तुम, क्या क्या चाहिए होता है PCR के लिए, एक एक चीज, एक एक माइन्यूट चीज बोर्ड पे लिखो, 3-5 एंड कैसे जाता है, कहाँ से लाइगेज क्लीव करेगा, कहाँ से लाइगेज लाइगेट करेगा, कहाँ से क्लीवेज होगा, कहाँ से DNA डाइजेशन होगा, कौन सा एंड किस एंड के साथ जुड़ता है, इतने बेसिक सवाल पूछे गए थे। लेकिन उस सवाल का जवाब जिस तरीके से आप एग्जाम आप इंटरव्यूअर को देंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा एक्चुअल में अपनी मेहनत के बल पे पास हुआ है या फिर लक भरोसे पास हो गया है। तो ये रियलिटी होती है। इसलिए अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि सिर्फ रट लेने से चीजें हो जाएंगी, याद कर लेने से हो जाएंगी, नहीं होंगी किसी, वरना इसके बाद का फ्रस्ट्रेशन लेवल और डबल होगा जब आपके पास डिग्री होगी बट काम नहीं होगा। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको मन लगा के पढ़िए, खाली डिग्री पाने के लिए मत पढ़िए, खुद को काबिल बनाने के लिए पढ़िए। मैंने आज तक कोई भी इंसान इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा है जितना कॉन्फिडेंट एक नॉलेजेबल इंसान होता है। आपके पास जब नॉलेज होगा ना, तो आप कॉन्फिडेंटली 10 लोगों के सामने बोल पाओगे, 10 लोगों के सामने खड़े हो पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपको दुनिया में कोई चीज नहीं देगी। आप अमीर बन जाइए तो भी वो कॉन्फिडेंट आपके सामने, आपके पास नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंट आप तब फील करोगे जब आप एक नॉलेजेबल इंसान रहोगे। आज की डेट में नॉलेज जरूरी है, क्योंकि नॉलेज रेयर हो गई है। 10 में से कोई एक ही इंसान होगा जो मुंह खोलेगा और बातें बोलेगा ना, तो आपको थोड़ी सेंसिबल लगेगा वो, वरना मैक्सिमम लोगों के बोलते हैं ना रहन सहन, आउटर लुक एक अलग फैक्टर होता है। लेकिन कहते हैं कि वो इंसान नॉलेजेबल होता है, उस इंसान के पास एक अच्छा नॉलेज माना जाता है जिसके मुंह खोलते ही आपको लगे कि यार क्या बात बोल रहा है, इसकी बात सुनने का मन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है। क्वालिटी पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपकी अपनी क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी रिच चीजें यकीन मानिए कभी खराब नहीं होती हैं, भले देर से सही जगह पे पहुंचती है लेकिन पहुंचती जरूर है। इसलिए क्वालिटी पे फोकस कीजिए, सुपरफिशियल चीजों पे फोकस करके कोई फायदा नहीं है। उन 10 में से 9 लोगों की तरह मत बनिए जो कि बाहर से लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही मुंह खुले तो लगे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। ट्राई टू बी रेयर। आज के टाइम में सब लोग एक जैसे बनने पे तुले हुए हैं, एक जैसे बनने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस वो चीज अच्छी हो। अगर इफ रेयर इज ब्यूटिफुल तो गो फॉर रेयर। अगर रेयर अच्छी चीज है, रेयर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, आपका करियर बिल्डअप करती है, तो रेयर की तरफ जाइए। ठीक है, एक कहावत बहुत अच्छी कहावत है, मैं अपनी लाइफ में भी इसको अपनाती हूँ कि अगर 10,000 लोग गलत डायरेक्शन में चलते हैं
तो वो डायरेक्शन सही नहीं हो जाती है, और एक अकेले इंसान के सही रास्ते पे चलने से वो रास्ता गलत नहीं हो जाता है, क्योंकि गलत और सही हम क्वांटिटी के बेस पे डिसाइड नहीं करते हैं। अगर 10,000 लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मैं उस डायरेक्शन को सही कह दूं, नहीं, वो डायरेक्शन गलत थी और गलत ही रहेगी, चाहे उस पर 10,000 लोग क्यों ना चले। और अगर एक इंसान सही रास्ते पे चल रहा है तो वो रास्ता हमेशा सही ही रहेगा, चाहे उस पर चलने वाला एक ही इंसान क्यों ना हो। तो इस चीज को अपनी लाइफ में थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, खुद को काबिल बनाइए, नॉलेजफुल इंसान बनाइए। खाली ग्रास्प नहीं करना है, खाली खाना नहीं है, मगअप नहीं करना है, देखिए क्या बिल्ड कर रहे हो, आपको कैरेक्टर भी बिल्ड करना है, उस नॉलेज को अपने पास इस तरीके से रखना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप सामने वाले को समझा पाओगे, और आप समझा तभी पाओगे जब आप सीखोगे, ना कि रटोगे। तो आज का स्ट्रगल कल के आपके बेटर फ्यूचर का जो है, मतलब कह सकते हो नींव है। तो आज के स्ट्रगल से डरिए मत। मैक्सिमम जो मेरे पास बच्चों के डाउट आते हैं ना, ये ग्रुप से ही डाउट आते हैं जो यहाँ पे हमारे साथ वेदमी पे है, मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट आते हैं वो यही रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबका हिला हुआ है, मैम इतना कुछ है कैसे याद करें। तो भाई और तुम्हारे पास क्या काम है, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास और क्या काम है बताओ? गाय चराने जानी है, नहीं जानी है, घर को मेंटेन करना है, नहीं करना है। तो स्टूडेंट लाइफ में हो आप, स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल नहीं फेस करोगे तो कब फेस करोगे? दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, आप इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। टेंशन हो रही तो उस टेंशन को कम करने का उपाय निकालिए, नहीं याद हो रहा है तो रिवीजन का टाइम बढ़ाइए, क्वेश्चन गलत हो रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, आगे का पढ़ के पीछे का भूल जा रहे तो पीछे को भी रिवीजन में लीजिए। हर एक चीज का तोड़ है, आप उसको झेले बिना नहीं जा सकते हो। अगर ऊपर वाले फ्लोर को जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियां ही हैं तो बिना सीढ़ी चढ़े आप ऊपर वाले फ्लोर पे कैसे जाओगे? अगर लिफ्ट नहीं है तो आपको सीढ़ियों पे पांव रखना ही पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं ये सक्सेस की सीढ़ियां हैं, आप इन पे बिना पांव रखे आप सोचोगे कि आप सक्सेस की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ी सी गंभीरता को समझिए। मजे में रहना, चीजों पे चिल आउट करना सब चलता है, लेकिन रियलिटी से दूर मत रहिए, सुपरफिशियल इमेजिनेशन में मत घूमिए कि हाँ मेहनत कम होगी फिर भी रिजल्ट आ जाएगा, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस होता है और रेयर रेयर ही रहता है, कॉमन में नहीं आता है। And you never know कि you are in the rare case or in a common case. Why to expect कि yes, आप rare case में आओगे? Go for the common one, no? Common का preparation कीजिए, rare में आगे तो अच्छी बात है, वरना common वाला तो हथियार है ही आपके पास। ठीक है? Yes, और आपके पास अगर कोई मजबूरियां हैं भी, कोई issue है भी, हर एक इंसान अलग अलग है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होगी, नहीं होगी तो ये नहीं कह सकती हूँ। कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होगी, कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। बट रियलिटी ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सामने रख के बैरियर नहीं बना सकते हो अपने सक्सेस के बीच में। काफी प्रॉब्लम होने के बाद भी मुझे यहाँ पे आके आपको क्लास देना है, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी, उसके बिना मेरा घर बार नहीं चलेगा, ठीक है? सेम गोज विथ यू कि आपकी भी वो एक जरूरत है, आपका सक्सेस अभी आपकी जरूरत बना हुआ है। आप 1,000 बहाने लेके चले आइए, 1,000 वैलिड रीजन लेके चले आइए कि मेरे पास ये हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी रियलिटी ये है कि उन सभी मजबूरियों की वजह से आप रुक नहीं सकते हो, आपको बढ़ना ही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सक्यूज को कभी भी अपनी मजबूरी मत बनने दीजिए। एक्सक्यूज पीछे हटने के ना आपको 1,000 रीजन मिल जाएंगे, भले आगे बढ़ने का रीजन एक ही हो, क्योंकि नेगेटिव जो चीजें होती है ना, आपने देखा होगा नेगेटिव चीजों का फोर्स बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 10 बातें अच्छी बोल दूं और कोई एक गलत बात बोल दूं, आप मेरी 10 अच्छी बातों को भूल जाएंगे, लेकिन वो एक गलत बात आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी डिफ्यूज होती हैं और लंबे टाइम तक परसिस्ट करती हैं, बिकॉज नेगेटिव इज कॉमन, देखने में बहुत ज्यादा है और वो एंटरटेन करती है। दैट इज वाई लोग जो हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर आपका कोई इंसान ऐसा है जो कि आपको बार बार मदद किया है, लेकिन एक बार अगर मदद करने से मना कर दे तो आपके आपके ऊपर जो है उसके पुराने बिहेवियर का इम्पैक्ट कम रहेगा और वो बिहेवियर का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा कि हाँ उसने मेरी मदद नहीं की, और ये ऐसा केस होता है, ठीक है? तो ये सब नेचर में चीजें रहती हैं।
आपको बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसे बहाने वगैरह करने से या फिर एक्सक्यूजेस वगैरह देने से कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज हमारी लाइफ में भी हजार थे। एक्सक्यूज को आज हमने तवज्जो दी होती तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। सेम गोज विथ यू। ये स्ट्रगल का पीरियड है, बहुत मजे में नहीं कटेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अपने एक चिल बिहेवियर से जो है दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप अपने स्ट्रगल को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हो, या अपने अपना जो आपका स्पार्क है अंदर कि यस मुझे कुछ कर दिखाना है लाइफ में, ठीक है, उसको आप डोमिनेट करने देते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। प्रिया जी, यहाँ हर कोई रोज कुछ ना कुछ झेल रहा है। कोई ऐसा क्या है यहाँ पे है कमेंट सेक्शन में जो ये कहे कि मैम मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं मिलेगा ऐसा। सबकी जिंदगी में अलग अलग दिक्कत है, ठीक है। जब तक आप किसी के पाँव में जूते, मतलब आप जब तक किसी के जूते में पाँव डाल के नहीं चलोगे, यू नेवर नो कि फ्रंट पर्सन जो है वो किस चीजों से गुजर रहा है। हमको कहते हैं ना कि नदी के उस तरफ की घास हमेशा हरी नजर आती है, दूर के ढोल हमेशा सुहाने सुनाई देते हैं। वही वाला केस है। हमको भी कभी कभी लगता है कि यार सामने वाले की लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, अपनी कितनी स्ट्रगल में है। उसको भी शायद हमको देख के ऐसे ही लगता होगा। तो ये रियलिटी है, ठीक है। जब तक सामने वाले के जूते में पाँव नहीं डालोगे, यू नेवर नो कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग, आप सेल्फ बिल्डअप कीजिए, सेल्फ कंस्ट्रक्शन कीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन वहां कीजिए जहां पे आप खुद को मोटिवेट कर पाए। जहां पे डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन है वहां पे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो पहले पेरेंट्स किया करते थे, रिश्तेदार किया, फलाने फलाने के बेटे ने इतना नंबर ले लिया, ठीक है वो फलाना का बेटा, उसने ले लिया, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव आपका जो कंपटीशन होता है उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है। कंस्ट्रक्टिव में इन्वॉल्व हुई है वो आपको आगे लेके चलता है। ओके okay. मेरी जिंदगी में तो हर रोज सुनामी आई रहती है। आपकी जिंदगी में सुनामी आई रहती है। हम उस सुनामी में ही बैठे रहते हैं, कभी कभी खड़े हो जाते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वरना वापस वो नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आपकी अकेले की लाइफ नहीं है, सबकी लाइफ वैसी है। सो जस्ट चिल, ठीक है। ये जिंदगी है बाबू मोशाय, इसे कुछ ना कुछ करके दो ऑप्शन है, या तो काटनी होगी या तो जीनी होगी। अब आप काटिए या जिंदा जिए, दोनों एक ही चीज है। आपको तो टाइम स्पेंड करना ही है, तो बेटर है जिंदगी काटने से, बेटर है कि इसको जिया जाए। अब उसको कैसे जिया जाए ये आपके ऊपर है, ताकि नेगेटिव चीजें कम दिखे और पॉजिटिव चीजों को हम अप्रिशिएट करके लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकें। हाँ चलो, यस द शो मस्ट गो ऑन। और अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, यकीन मानिए, यहां पे कोई भी हो, पूछ उसी की होती है जो सक्सेसफुल है आज। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है ना, को ये भी पूछने नहीं आता कि बेटा बताओ क्या हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। नो, कोई सुना के चला जाएगा आपको, कोई कड़वी बातें बोल के चला जाएगा, लेकिन कोई सहानुभूति देने के लिए नहीं आएगा कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। नहीं, ठीक है, वो हम कर देते हैं, हम आप लोगों को कह देते हैं जिन बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि उसकी जरूरत होती है। क्योंकि हमारे टाइम में हमें किसी ने नहीं कहा था कि कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, हो जाएगा। तो उसकी कमी हमें हमें बहुत फील हुई लाइफ में, क्योंकि ताने सुनने को मिल जाएंगे कि हाँ बड़े आए सीएसआर क्लियर करने वाले, ठीक है। कोई कुछ कह देगा कि हाँ क्लास के टॉप, क्लास में अच्छे खासे टॉप करते थे और रियल लाइफ में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डूब गए, ये है नॉलेज। तो हजार टाइप के हमको कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म सुनने को मिले, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी टीचर से, कभी दोस्तों से, बट किसी ने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं। हाँ ऑफ कोर्स माँ बाप सपोर्ट में थे, तो कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा, कोशिश करो, ठीक है। तो जब कोई ये स्टेटमेंट कहता है ना पूरे यकीन के साथ, तो खुद को भी फील होता है कि हाँ हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ हर एक स्टूडेंट को कि कोशिश मत छोड़िए,
हमारा तो काम है कहना, लेकिन आपकी कोशिश ही आपको सक्सेस दिलवाएगी, ठीक है? क्योंकि हम झेल चुके हैं कि हर कोई इंसान आपसे कनेक्शन भी वही लोग रख तभी लोग रखना चाहेंगे जब आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। जब अपने स्ट्रगल पीरियड में चलेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा, कोई किसी के। और अगर बहुत ज्यादा मतलबी लोग जिंदगी में है तो उनके तो कॉल भी आने बंद हो जाएंगे। हाँ, कॉल तब आ सकते हैं जब कुछ सुनाना हो उनको, तब आ सकते हैं। अदरवाइज जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक लोग आपको पूछते तक नहीं है। आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो या नहीं उससे भी उनको मतलब नहीं होता है। तो आजकल लोग तभी पूछते हैं जब आपके आपके पास आपकी सक्सेस है, ठीक है? ये कड़वी रियलिटी है, हम तो झेल चुके हैं, दैट इज वाई कह रहे हैं। इसे लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। सक्सेस आपको इज्जत कमा के देता है, आपके बातों का वजन भारी कर देता है, आपकी थिंकिंग का जो कहते हैं ना वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है? तो सक्सेस बहुत सी चीजों को बढ़ा देता है आपकी लाइफ में, तो इसलिए उसको अचीव करना जरूरी है। और उसको अचीव करने का प्रोसेस इतना इजी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल हर एक इंसान कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सपना आपका है तो आपके अलावा और कौन स्ट्रगल करेगा? सिंपल। चलो, यस। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज एक्सटिंक्शन। नॉलेज के लिए बुक पढ़ना भी जरूरी है या पीडीएफ इनफ है? सुमोनी जी, फिलहाल में पीडीएफ जो है दे आर द मिनी वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? तो जब आप पीडीएफ्स को पढ़ रहे हो तो भी आप नॉलेज ही गैदर कर रहे हो। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और वो जो एक कूल इन पीरियड होता है जिसमें 1-2 महीने का आपको बीच में गैप मिलता है आफ्टर एग्जाम एंड बिफोर इंटरव्यू, उसमें आप बुक्स वगैरह पढ़िएगा, खुद के नॉलेज को और थोड़ा अपग्रेड कीजिएगा फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। श्रद्धा जी, देखिए एक कहावत है, बेवकूफ इंसान के सामने या ऐसे इंसान के सामने जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसके सामने सफाई देने से आप खुद बेवकूफ बन जाते हैं। क्योंकि बेवकूफ इंसान को या ऐसा इंसान जो जिद्दी है और एजुकेटेड नहीं है वो बहुत खतरनाक इंसान होता है, उससे आप बहस में कभी नहीं जीत सकते हो। तो उनके सामने एक ही ऑप्शन है, अगर वो कहते हैं कि तुम नकारा हो तो आप बोल दो थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं नकारा हूं, यस आपने सही बोला, मैं बहुत नकारा हूं, बस पूरा का पूरा जो टॉपिक है वही खत्म हो जाएगा। और खुद को रफ एंड टफ बनाइए। स्ट्रगल पीरियड में ना सर्वाइव करना बहुत जरूरी होता है, और वो आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आप रफ एंड टफ हो। बदतमीज मत बनिए लेकिन रफ एंड टफ बनिए। आप प्यार से ही स्माइल करके ही सही, बट ऐसे जवाब दीजिए कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर्ट ना हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आए समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी इनके कमेंट की मोहताज नहीं है, इनके कह देने भर से मैं वैल्यूलेस नहीं हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगी। इन्होंने क्योंकि कह दिया कि मैं बेकार हूं, उससे मैं बेकार इंसान नहीं बन जाती हूँ। मेरे वजूद का जो कहते हैं ना साइज है वो इतना छोटा नहीं है कि किसी ने जस्ट बिकॉज मुझे बेकार कह दिया तो मैं बेकार हो गई। नो, इतना छोटा खुद को मत बनाइए। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी अपने अंदर रखिए, रफ एंड टफ रहिए। क्योंकि इस स्ट्रगल पीरियड में ना बोलते हैं ना कि ऐसा इंसान भी आपको कमेंट बाजी करके चला जाता है जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो जब पानी सर से ऊपर जाए तो प्यार से जवाब दे दीजिए, और जब लगे कि नहीं पानी सर से नीचे ही है तो कभी कभी आपको कलेश अवॉइड करने के लिए चुप रहना पड़ता है। तो वहां पे चुप रहिए जहां पे चुप रहने से कुछ रिश्ते बच जाते हैं, और वहां पे मुंह खोलिए जहां पे चीजें लिमिट के बाहर जा रही है।
यस तो थोड़ा रफ एंड टफ अपना पर्सनालिटी रखिए, वो जरूरी होता है जिंदगी में, वो आपको सरवाइव करवाने में मदद करेगा। आजकल के तो रिश्तेदार और भी ज्यादा चालाक होके रखे हैं, अलग अलग तरीके से जो है इमोशनल टॉर्चर करने के लिए चले आते हैं, तो उसी तरीके से आपको रहना पड़ता है। को इवोल्यूशन, द सिनारियो विच कीप ऑन इवॉल्विंग देमसेल्फ, एंड इफ यू आर सर्वाइविंग इन दैट सिनारियो ऑफकोर्स यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ टू, दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन। और इतनी सारी रिप्लाई के बाद भी कोई ये कहे कि तुम बदतमीज हो, तो उनको प्यार से थैंक यू कहिए, थैंक यू आप सही पहचाने, एकदम बदतमीज हो, पहले आपने इतना क्यों नहीं पहचाना मुझे, क्योंकि मुझे आज मिलता है, बिकॉज मैं बहुत रफली जवाब दे देती हूँ उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो लोगों को बोलने दीजिए, उनके पास बहुत फुर्सत है बोलने की, इसलिए वो बोलेंगे, पर आपको अपना एम नहीं भूलना है।